स्मृति वाहेगुरु सत्य प्रकाश वाहेगुरु सत्य प्रकाश। सड़क परिवहन जनहित विकास समिति जिसकी शुरुआत कुल्लू जिला सड़क संघर्ष समिति की के नाम पर हुआ था, पिछले 10 वर्षों से लगातार कुल्लू जिला की जो अहम कठिनाइयां या समस्याएं उनको समय समय पर उठाती रही है और उसका निराकरण भी सरकार से करवाया। जैसे कुल्लू से भुंतर से कुल्लू जो सड़क है ये उखाड़ी हुई थी, नालियाँ उखाड़ी हुई थी, बुरी हालत थी, उसको ठीक करवाया। और उसके बाद खराड़ में ठूंठ काटे जा रहे थे, उनको सरकार से बंद करवाया। और इसी तरह से बंदर यहाँ छोड़े गए थे या महाराजा में, उनके लिए आंदोलन चलाया, वो भी बंद किया। बंजार में सड़कों की बुरी हालत थी, उसके लिए कोशिश की। और वैसे ही जो जिलोड़ी से आनी सड़क थी कई महीनों से बंद थी, उसको खुलवाने के लिए काम किया। और वैसे मनाली में जो था ये ब्रिज, उसकी हालत ठीक वो नहीं बन पा रहा, उसके लिए काम किया। अभी पिछले 2 सालों से भी हमारी ये जनहित विकास समिति जो है काम कर रही है। बजौरा में पानी की किल्लत थी, उसके लिए हमने सरकार से और स्थानीय प्रशासन से बात उठाई, उसको हल किया। ऐसे ज़िले की बहुत समस्याओं को हल किया, पर हमने अब फैसला किया ज़िला स्तर पर कि हम पूरे 4 कंस्टिट्यूएंसी जो कुल्लू ज़िले की, वहाँ की एक एक मुख्य समस्या जिसको ना तो कोई रूलिंग पार्टी उस पर ध्यान दे रही है, ना विपक्ष ध्यान दे रहा, ना कोई NGO ध्यान दे रहा है, और ना किसी और की तरफ से उनका ध्यान गया है, उसको हम प्रायोरिटी से उठा करके उसको हम प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात आई जो ये बिजौरा में जो हमारे पूर्व में रहे हमारे स्वर्गीय श्री कर्ण सिंह जी जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदा के, उनके कार्यकाल में राजा वीरभद्र सिंह जी की बदौलत जो सामान्य मुख्यमंत्री थे, यहाँ बिजौरा में आयुर्वेदिक कॉलेज और 40-बेडेड हॉस्पिटल जो आयुर्वेदिक का था वो सेंक्शन हो तो उस पर कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा था। तो इसलिए हम पिछले 4-5 महीने से इस इशू को उठा रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से, ज्ञापनों के जरिए से डिप्टी कमिश्नरों को दिए। तो अब हमने फैसला किया कि हम इसके लिए बिजौरा मीटिंग करेंगे और वहाँ एक लाइन ऑफ एक्शन बनाएंगे। तो जो हमने यहाँ एक्शन प्लान बनाया आज, उसके मुताबिक हम बिजौरा से जो है जुलूस की शक्ल में चलेंगे अगले 7 मार्च को, और हम चरणबद्ध तरीके से कुल्लू तक जाएंगे और सरकार तक इस आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर वो तब तक ये बात उन कानों तक नहीं पहुंची, तो हमारा जो एक डेपुटेशन है वो यहाँ से शिमला में जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा। वैसे ही हम मनाली चुनाव क्षेत्र के लिए जो मनाली का जो पतलीकूल का अग्निशमन केंद्र है उसके लिए भी पिछली सरकार में बातें हुई थी, तो वो जो है उसके लिए हम जो एक मुख्य मांग हमारी जो वहाँ की रहेगी हम उसको उठा करके चलेंगे। बाकी वहाँ की मांगे वहाँ की जो हमारी जो जनहित विकास समिति है क्षेत्रीय तौर पर वो उठाएगी। और इसी तरह से कुल्लू चुनाव क्षेत्र के लिए भुंतर से बरशाणी तक सड़क का बुरा हाल है, तो हम जो है इस सड़क को कोई नहीं पूछ रहा है, हम भुंतर से 4 चरण में चलेंगे, भुंतर से 60 से जो है जरी से हम चलेंगे मणिकर्ण और मणिकर्ण से बरशाणी, और हम इस सड़क के लिए जो आंदोलन चलाएंगे, अगर हम उसमें कामयाब नहीं हुए तो हम इसके लिए जो कुल्लू में PWD के दफ्तर का जो है घेराव करेंगे, उसके बाद हम शिमला में जाएंगे। वैसे ही हम जो जलोड़ी जोत की जो सुरंग है उसके लिए भी हम चाहेंगे कि युद्ध स्तर पर काम हो, क्योंकि कई सालों से काम चला है, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल, कई बार 4-4 महीने जो ऑटोसराज और हमारा जो है कुल्लू का इलाका बंद पड़ा रहता है। इसके लिए हम बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, और उसके बाद जो है हम दिल्ली में जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी और वहाँ के जो सड़क परिवहन मंत्री है उससे बात करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो है कुल्लू की 4 चुनाव क्षेत्र वहाँ के लिए बात उठाएंगे, ज़िला स्तर पर उठेगा, और जो अगर हमारे क्षेत्रीय स्तर पर भी कोई बातें मांगे उठेंगी हम उनका भी समर्थन करेंगे। मुझे खुशी है कि हम लोग इसको जो है एक युद्ध स्तर पर सारे काम करेंगे, और कुल्लू की जनता कैसे हमारा अनुरोध है कि वो इसमें हमारा साथ दे, इसमें कोई राजनीति नहीं है, राजनीति से ऊपर कर हमारा तो सहयोग रहेगा सभी विचारधाराओं के लोगों से, सभी NGO से, और दूसरे सब तबके जिनको कि इससे जरूरत है या जो हमारे शुभ चिंतक है कि हमारे इस संघर्ष में साथ दे
और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें।